इस बार बेसी समाज को टिकट नहीं दिया गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे राजेश जी? देखिए, उमाशंकर गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न जिम्मेदार पदों पर रहे हैं और निश्चित तौर पर पार्टी के बड़े नेता हैं और वैश्य समाज को भारतीय जनता पार्टी से जोड़े रखने में उनकी अहम भूमिका रही है। तो हम इस अवसर पर यही कहेंगे कि शीर्ष नेतृत्व पुनर्विचार करें और वैश्यों की भावना को समझते हुए माननीय उमाशंकर जी गुप्ता को निश्चित तौर पर इस विधानसभा में मौका दें और चुनाव लड़ाएं, उनको टिकट प्रदान करें। पूरे प्रदेश में प्रदेश वैश्य समाज की प्रतिनिधित्व को लेकर जो आवाज उठ रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी इस पर राजी होगी या नहीं? पर देना चाहिए, वैश्य बंधुओं की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को माननीय उमाशंकर जी को टिकट देने से पूरे प्रदेश में अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा, उसका ध्यान रखना चाहिए। और हमारा संगठन पंचायत स्तर तक काम कर रहा है, प्रदेश के लाखों वैश्य बंधु, या मैं कहूंगा कि पूरे वैश्य बंधु वैश्य महासम्मेलन के बैनर तले काम कर रहे हैं, वैश्य महासम्मेलन से जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल उमाशंकर जी के लिए हम पार्टी नेतृत्व से पुनः अपील करते हैं कि उन्हें टिकट प्रदान किया जाए। अब आपके शहर में, आपके देश में क्या हो रहा है, इन सबको जानने के लिए बस आपके जेब से निकालिए मोबाइल और देखिए देश, शहर, जिले की खबरें आपकी जेब में। देखते रहिए अक्षत न्यूज लाइव टीवी। इवेंट हो, पॉलिटिकल हो या धार्मिक हो या स्पोर्ट हो, हर न्यूज मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।